आप ये बताइए मोदी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? खुश हम पूरे भारतवर्ष खुश है विपक्ष, क्योंकि उनको अपने हाथ से सत्ता दोबारा से जाती हुई नज़र आ रही है, जैसे पिछले 14 में और 19 में और अब 24 में वही होगा। आप अगर आपका विरोध होने लगा तो समझिए आपका विकास होने लगा। सबसे पहला बीजेपी से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। सबसे पहला ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देश पीछे जा रहा है, जीडीपी गिर रहा है, फिर 10 साल से एक तरफा जीत क्यों रहे हैं? एक बार बट गया देश अब नहीं बटने देंगे और माँ के वक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है कि 2024 को लेकर ही परेशान है विपक्ष, क्योंकि उनको अपने हाथ से सत्ता दोबारा से जाती हुई नज़र आ रही है, जैसे पिछले 14 में और 19 में और अब 24 में वही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक का रुझान है उस हिसाब से मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। देखिए सबसे पहला चीज़ आज के डेट में सबसे पहला बीजेपी से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, सबसे पहला। और नरेंद्र मोदी जी आज की डेट में हम सबों जो है ना उनका माने सबसे प्रेम भक्त है, उनके रिस्पेक्ट करते हैं उनका, ठीक है। और रहा बात दलित का, अगर ऐसा रहता ना तो आज के डेट में जो है ना देश के राष्ट्रपति जो है ना दलित समाज से कोई नहीं होता आज के डेट में। बात को समझिए, आज हमारे राष्ट्रपति कौन है? दलित समाज का है ना, है बात को समझ रहे, दलित समाज का है दलित समाज का है। देखिए तो ये मायने नहीं रखता है, बस देश का विकास होना चाहिए। कोई भी हो वो राष्ट्रपति उद्घाटन करे, हमारा जो प्रधानमंत्री जो है हमारे मोदी जी वो करे, या फिर हमारे माने कोई भी करे, उससे हमें मतलब नहीं है। बस हमारे भारत देश का माने जो है विकसित होना चाहिए, सब माने काम अच्छा होना चाहिए, इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए बस। आप ये बताइए मोदी सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? खुश हम पूरे भारतवर्ष खुश है, कोई इससे जो है ना खुश नहीं है, ठीक है, सब कोई खुश है। कुछ कट्टर लोग हैं जो नाखुश है। क्यों ऐसा क्यों है? नहीं सुनिए, कुछ लोग है। अगर आप देखिए, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आप अगर आपका विरोध होने लगा तो समझिए आपका विकास होने लगा, ये बात है ना। जब किसी का भी विरोध होने लगा समझिए उसका वो हो रहा है, विकास हो रहा है, वो जीत रहा है, ठीक है। आज के डेट में अगर विरोध ना हो तो फिर सरकार किस चीज़ का? जितने एलिगेशन लोग लगाते हैं, कि दलित विरोधी है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देश पीछे जा रहा है, जीडीपी गिर रहा है, फिर 10 साल से एक तरफा जीत क्यों रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको जनता वोट क्यों नहीं दे रही? अगर आपका मुद्दा इतना धरातल पर इतना सच है तो फिर जनता आपको जिताती क्यों नहीं है कि आप 10 साल से कहां चले गए? तो इसका मतलब सिर्फ आपका हवाई बात है इनके विरोध में, कुछ बात अगर रियलिटी होता ना, विरोध में आपके दम होता तो आप भी सरकार में आए होते ना, 5 साल बाद आ जाते। इनका तो 10 साल हो गया और आगे भी यही आएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि विरोधी पार्टियां जो दलित का कार्ड खेल रही वो छलावा है या फिर दिखावा है? पूरा टोटल छलावा है, टोटल छलावा है, टोटल छलावा। जब तक मोदी जी हैं, जब तक हैं तब तक वही पूरे भारतवर्ष को चलाते रहेंगे, ये हम जानते हैं। बस नहीं है, सुनो मेरी बात, ये लोग सब करते बांटने की बात, देश को बांटने की बात, तो एक बार बट गया देश, सुने, एक बार बट गया देश अब नहीं बटने देंगे और माँ के वक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे, समझे? एक बार बट गया देश अब नहीं बटने देंगे, माँ के वक्ष स्थल को अब नहीं कटने देंगे। तुम पत्रकारों सुन लो वाली, जिसकी ऊंचाई का अंत न हो उसे आसमान कहते हैं, और जिसके प्यार का अंत न हो उसे माँ कहते हैं, और जिसके विकास का अंत न हो उसे योगी कहते हैं, और जिसका देश विदेश में डंका बजता हो उसे मोदी कहते हैं, और जिसकी आवाज में दम है, उसे भावना किशोर कहते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, उसे भावना, क्योंकि राजनीति तो तवायफों का अड्डा है, राजनीति तवायफ बन गई और नेता नमक हराम हो गया, और मेरे देश की जनता का कफन तक नीलाम हो गया। राजनीति तवायफ बन गई, नेता नमक हराम हो गया, मेरे देश की भूखी प्यासी जनता का कमन तलक नीलाम हो गया। नेताजी क्या सब धर्म के काम कराए जाते हैं? वहाँ बूथों पर कब्जा करने के पाठ पढ़ाए जाते हैं, यहाँ की विधायक खुली तस्करी हेरोइन की करते हो और सांसद घोटाले में पकड़े जाते हो, क्या व्यवस्था बदलेगी आम चुनाव से? समझे, घोटाले का सबूत तो तुम्हारे साथ दिल्ली में है, उनके विधायक खुली तस्करी हेरोइन की कर रहे हैं। हाँ, 5 तारीख थी, गुरु गोविंद सिंह की आत्मा रो रही थी, सरदार जी हैं, सुन लो पहले,
सरदारों को वैसे लोगों ने चुटकुलों को मना रखा है, वो बेवकूफ है। उसके दो बेटे चमकौर के युद्ध में मारे गए और दो बेटे जिंदा दीवार में सिन गई, तो बड़ा छोटे से पूछते हैं है जी। तो सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह की आत्मा रो रही थी 5 तारीख को, कह रहे मान ये तूने क्या किया, गुरग्रंथ के पन्ने को कलंकित कर दिया। भावना किशोर किन्ने पकड़वाया मान ने, ये आने वाले 100 साल के इतिहास में लिखा जाएगा पंजाब की। चलिए आपसे सवाल एक लास्ट रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दलित विरोधी का जो है आरोप लग रहा है जो, और संसद भवन का उद्घाटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आपको लगता है कि किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए तो किसको करना चाहिए? प्रधानमंत्री को ही करनी चाहिए, देश का प्रधान है वो। राष्ट्रपति तो केवल साइन करने के लिए होता है, समझे। प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा मैं विदेश से आदमी बुलाऊंगा, राष्ट्रपति तो उस पर मोहर लगा देगा।